अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर खींच के उसको हम और स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपने पहले तस्वीर खींचनी है अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद जाना है फोटो रूम में। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। फोटो रूम को ओपन कर लें। फ़ोटो रूम को ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट की तस्वीर ली है, तो मैंने ये तस्वीर ली एग्जांपल के तौर पे, येलो कलर का जंपर रहेगा। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका बैकग्राउंड ये क्रॉप कर देगा। बैकग्राउंड क्रॉप हो गया। उसके बाद अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अब हम यहाँ एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, कोई सा भी ले लें, कोई मसला नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, आप अपनी मर्ज़ी से भी पसंद करके कोई सा भी लगा सकते हैं। मुझे जो पसंद है मैं वो लगा देता हूँ। ये जो प्रो वाले ना, ये नहीं लगा सकते आप, इसमें पैसे लगेंगे। लेकिन जो बगैर प्रो के भी बहुत सारे बैकग्राउंड अच्छे अच्छे हैं, जैसे मैं ये लगा देता हूँ इस पर, ठीक हो गया। ये देखें, तो इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और नीचे जो इनका लोगो आ रहा है फोटो रूम, तो थोड़ा आप इससे ऊपर करके आप रखें। और प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे शेडो का ऑप्शन ओके कर दें। तो शेडो को भी तीन चार ऑप्शन है, लेकिन मैं फर्स्ट वाले पे ही रखूँगा, सेकंड में इतना मज़ा नहीं है, फर्स्ट पे सही है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद ये ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस 10 कर दें या 11 कर दें या 14 कर दें, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद कंट्रास्ट, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी आप 10-12 तक कर दें। और सेचुरेशन ये भी 10 तक ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करिएगा। बस ये मैं तीन ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, सेचुरेशन। इसके अलावा ये दूसरे ऑप्शन भी है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, तो इसको हम डन कर देते हैं, ठीक है सर। डन करने के बाद इसे हम अब सेव कर लेते हैं। सेव किस तरीके से करेंगे, एक्सपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में जाने के बाद सेव टू गैलरी करेंगे, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो गया। अब हम दोबारा व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद हम इसे इसका जो है क्रॉप कर देंगे। ये फोटो रूम इसका क्रॉप हो गया है, और हम इस पे हम लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी प्रोडक्ट तैयार है। इसे हम स्टेटस वगैरह पे भी लगा सकते हैं, और फेसबुक मार्केट प्लेस में बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे लगा के इसको सेल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने की थी। आप अपनी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड चेंज करें और थोड़ा खूबसूरत बना के इसे आगे सेल करने के लिए लगा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।